इमोशनली बहुत परेशान है और चुप बस बोले 10 मिनट खाए हमको मेरी। दोस्तों निकलते हैं घर क्योंकि आज सैटरडे है तो जल्दी जल्दी जा सकते हैं। छुट्टी से मीटिंग के लिए आए थे तो चलते हैं घर। रचना की तबीयत जैसी है वैसी है, आप लोग सब कह रहे हो किसी को बुला लेना चाहिए तो मैं पता है सबका भी ये सब बात है। तो कितनी बारिश हुई है, पूरा मैदान भीग गया, बहुत बारिश हुई है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, क्या मौसम में करने वाला है, सबको बीमार कर देगा ये देखना। फिर चलते हैं रचना से पूछते हैं क्या क्या मंगाया क्योंकि कल संडे है तो हो सकता है कि बहुत सारे काम है, कपड़े धोने हैं। संतोष साहू जी अदरक दे रहे हैं हमको 2 रुपए का और उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाओगे तो मैं दूंगा। नहीं आता क्या? हाँ दो में अदरक आया ना, आती है ना वाली लंबी वाली आती है। क्या बात करो दे, ये जो आप दोनों मैंगो खा रहे हैं मैं क्यों नहीं खा सकती, मैं जान सकती हूँ? मुझे क्या पता क्यों नहीं खा रहे आप? आपने कहा ना मैंगो मेरे को नहीं खाना है। मैंने नहीं खा भाई साहब। आपने पहले ही मना कर दिया तुझे मैंगो भी नहीं खाना है हमारे लिए है। दोस्तों अगर कैमरा ऑन है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर साल का है मैं मैंगो लाऊंगा ये नहीं खाती। मैं खाती हूँ कब जब मेरा मन होगा तब खाऊंगी ना। क्योंकि देखो मैं 1 किलो आता हूँ, मैं 1 किलो खत्म कर देता हूँ फिर कहती मैंगो कहाँ है, मैंगो कहाँ है, मैंगो तो मिल के कहाँ है, तो मैं कहाँ। अभी मैं 2 किलो लाया हूँ और 2 किलो में हम देखो हम दोनों कितनी देर में खत्म करते हैं। कोई बात नहीं पानी बेटा। बाबू क्या है? 1 2 3 हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा फाइन आज आगे के वीडियो में बात कर लेते हैं आप लोगों से। बैक पेन पहले बता देती हूँ, मैं जो लोअर बैक पेन हो रहा है वो वेट बढ़ने के कारण हो रहा है क्योंकि 7 महीने तो मैंने वेट बढ़ने से रोक रखा था, सिर्फ बच्चे का बढ़ रहा था लेकिन अब आखिरी में तो फैट बच्चों को भी मिलना के लिए मेरा वेट भी बढ़ेगा तो सडनली वेट गेन हो रहा है उस वजह से। और जो मैम ने 2 कैल्शियम और MG D3 विटामिन डी के शॉट्स लिखे थे वो सब मैंने खाए लेकिन बीच बीच में 1 कैल्शियम मतलब मॉर्निंग की कैल्शियम मुझसे मिस हुई है, MG D3 भी मिस हो गई थी, हो सकता है ये रीज़न हो। रीज़न तो क्या बैक पेन, इवन जो लोग बहुत स्लिम होते हैं मैं तो वही सोचती हूँ उन लोगों को तो बहुत पहले से लोअर बैक पेन होने लगता है, मुझे एंड में हुआ है लेकिन बहुत सीवियर था। और क्या बोलते हैं मालवीय जी, साइटिका जो नर्व होती है वो शायद प्रेगनेंसी में वो भी दर्द करती है, वो दबती है जिसकी वजह से लोअर बैक पेन और वो पूरे लेग में पेन होता है। तो अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, 1 महीने का ही वक्त है तो चीज़ें हो रही है। बट हाँ मुझे जिस चीज़ ने फ़ायदा किया वो है वॉर्म वाटर से, मैंने कल भी 2 बार मैं नहाई हूँ, गर्म पानी लगा है उसके बाद। वैसे अभी तो मैं कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ नहीं कर रही थी 3-4 महीने से, पहले अपर बैक पेन जो 4th-5th मंथ में हुआ था तब यूज़ किया था लेकिन अब इतना पेन था तो मुझे लगानी पड़ी वॉलिनी वगैरह स्प्रे और जो पैचेस थे पेन रिलीफ वाले वो मैंने कमर में लगाए उससे रिलीफ। हाँ तो आज ये है कि आज मैं खुद से उठ पा रही हूँ, मैं नीचे बैठ भी पा रही हूँ, चल फिर रही हूँ मैं। कल जितना दर्द नहीं है तो वो वार्म वाटर और उस वो लगाने से ही हुआ है। और मैं वही कैल्शियम 2 बार चल रहा है MG D3। एक्चुअली इस बार दवाइयाँ मेरी बहुत ज़्यादा हैं, आयरन कैल्शियम आयरन मल्टीविटामिन बीच में लेना होता है क्योंकि मैं बहुत खाना नहीं खा पाती। और रात में इको स्प्रिन अभी मैम ने बंद नहीं किए, मैम करने वाली है 10-15 दिन में। नेट पे पढ़ के इको स्प्रिन 75 mg मैम ने मुझे इसलिए लिखी है क्योंकि मेरे वेट के कारण प्री एक्लिप्सिया, अभी तो बीपी नॉर्मल है, अगर वो नहीं देंगी तो हो सकता है कि मुझे ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए उन्होंने एस्प्रिन चालू रखी है। डेफिनेटली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे मेरे, इसलिए मैम ने 3rd मंथ के बाद ही मुझे वो दे दिया था। अब एक्चुअली बात ये हो रही है फ्रेंड्स, आप लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, माना हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ 800 या 1000 तक ही आ रहे हैं लेकिन आप लोग सच में वेल विशर्स हैं, आप लोग बहुत
दिनों से, और रिसेंट वीडियो में तो आपने लिखा ही है कि आप किसी को बुला क्यों नहीं लेते हो, अपनी मम्मी को या किसी को। यार मैं आपको क्लियरली एक बार और बताती हूँ, पहले भी शायद आपको बताया होगा, सबको लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। मैं मतलब बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, मेरे भैया दीदी से भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे थे। लेकिन 2010 में पापा चले गए, पापा के जाने के बाद घर बिखर गया। अभी भी मेरे दीदी जिया जी हैं, बहुत अच्छे हैं, भैया के साइड से थोड़ी बातें कम हो गई। और फिर मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी को सीजोफ्रेनिया हुआ, हमने भोपाल में भी इलाज कराया, इंदौर में भी खिलाया कराया। तो अभी मम्मी की एज है 66 ईयर्स, 65 मान लीजिए। लेकिन वो जो सीजोफ्रेनिया की दवाई की वजह से मम्मी की जो बॉडी है बहुत वीक हो गई है, मेंटली चीजें, दवाई कम है लेकिन मेंटली भी मम्मी बहुत वीक हो गई है। गीत के टाइम मेरी मम्मी आई थी, पर जब डिलीवरी होने के बाद, मेरी मम्मी और दीदी दोनों आए थे, डिलीवरी होने के बाद हम बच्चे में लग गए थे, वहां पे भी मम्मी ने गलती से 2 डोज दवाई की ले ली थी, वहां मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। अब मेरी इतनी बुरी हालत है, अगर मैं मेरी मम्मी को बुलाती हूँ वो कैसे देखेंगी मेरी ये हालत। उनकी खुद बेचारी वॉक, मतलब 1-10 कदम चलती हैं, फिर बैठती हैं, फिर चलती हैं, फिर बैठती हैं, कभी अस्थमा अटैक आ जाता है। वैसे तो हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन उनकी खुद की हालत ऐसी कि उन्हें चाहिए कोई साथ में। इसीलिए पूरी मेरी प्रेगनेंसी में मेरी मम्मी मेरे पास नहीं आई, क्योंकि दीदी उनका ख्याल रख रही है ना, क्योंकि हम दोनों बहनें ही रखते हैं। तो अभी मेरी दीदी के पास, और मेरी दीदी जी आज दोनों गवर्नमेंट में है, अगर वो इतनी लंबी छुट्टी कैसे लेंगे। मेरी दीदी का खुद का परिवार है, वो उनके बच्चे कोई बड़े नहीं है, छोटे हैं, मम्मी का ख्याल रख रहे हैं, उनका कुछ पर्सनल काम भी चल रहा है, कुछ पढ़ाई का भी और कुछ घर का भी। उस बीच अगर वो अभी से छुट्टी लेके आ जाएंगे तो मेरी डिलीवरी के बाद क्या होगा। नॉर्मल हुई तो 1 दिन में छुट्टी होगी, अगर सी सेक्शन हुआ 3 दिन में हुई, और अगर भगवान ना करे कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन आए तो कम से कम 25-30 दिन, मिनिमम 15 दिन तो वो आएंगी मेरे पास, और हो सकता है फिर मुझे ले जाए। अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि उनका जो घर है वो अभी किराए, वो सरकारी क्वार्टर है, और वहाँ पे वॉशरूम की एक्चुअली मेरे कमर और वेट के कारण मुझे वेस्टर्न यूज़ करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। नहीं तो दीदी मुझे भी वहीं ले जाती। पहली प्रेगनेंसी में मेरे इन-लॉज ने मना कर दिया था कि ससुराल में होती है तो नहीं गई थी, नहीं तो सेकेंड में मैं डेफिनेटली वहीं जाती और वहीं करवाती। ये रीज़न है कि मैं उनके पास नहीं जा सकती, और अभी बुला लूँगी तो बाद में फिर क्या होगा मेरा। तो मैंने तो ये, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैं मान चुकी हूँ कि मुझे जितना मम्मी पापा से प्यार मिलना था वो एक सर्टेन एज तक मिला है। अब सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता ना, कई औरतें रोती हैं कि हमारा पति अच्छा नहीं है, हमसे इमोशनल कनेक्ट नहीं है, या किसी के पति चले गए हैं, तो वो उनके मम्मी पापा हैं, उनके भाई बहन हैं। अब यार मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं है। मालविया जी को हम, मैं 2008 से जानती हूँ, 15 से हमारी शादी हुई थी, 15 में, इतने साल हो गए हैं हम दोनों ने हमेशा, मुझे जो लगता है, हो सकता है आप लोगों को अलग दिखता हो, मुझे जो लगता है कि तो हमने अपनी रिलेशनशिप की गाड़ी एक साथ चलाई है, दोनों का योगदान 50-50 रहा है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगा है। अब भी मेरे साइड से कम लग रहा हो किसी को, या इन्हें खुद ही कम लग रहा हो, आई डोंट नो। तो ये तो उतार चढ़ाव आएंगे 9 महीने के, और उसके बाद हो सकता है 3 से 6 महीने। तो ये मेरा वीक पॉइंट चल रहा है, तो चल रहा है। अब इसमें अगर मेरा लाइफ पार्टनर मेरा साथ नहीं देगा, जिसके लाइफ पार्टनर नहीं देते उनके मम्मी देती है, पापा देते हैं, भाई देते हैं, बहन देती है, इन-लॉज देते हैं, दोस्त देते हैं। अब जब मेरे पास बाकी चीजें नहीं है तो एक बंदा तो देगा तो ये मेरा साथ दे रहे हैं, एंड तो मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हूं कि ये डिसीजन प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का हमारा था रीजन, ताकि गीत को आगे चल के क्या होते हैं रिलेशन पता नहीं, पर 20-25 साल तो उसे साथ मिले अपने सिबलिंग्स का, तो डिसीजन हमारा था। तकलीफें आ रही हैं तो हम मिलके फेस कर रहे हैं। मैं मालवीय जी को समझा चुकी हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहो कि नहीं है, आपको ही अभी कुछ 4-5 और महीने आपको ही करना है। और आप लोगों से भी मैं सिर्फ ब्लेसिंग चाहती हूँ। व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कूद गए थे भैया यूट्यूब में 2 साल पहले,
कुछ अर्निंग भी हुई अभी नहीं हो रही है तो तकलीफ हो रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्योंकि यूट्यूब के बाकी चैनल बंद हो गए, यहाँ से कोई अर्निंग नहीं है। तो एक हमने भी सोचा कि रियलिटी, हमारे पास बाकी रिलेशन नहीं है तो वर्चुअल फ्रेंड्स बनेंगे। अच्छा लगता है जब वर्चुअल फ्रेंड्स आप जैसे मोटिवेट करते हैं या अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, बेस्ट विशेस लगते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत मानती हूँ इन चीजों में कि अगर आप लोग दिल से प्रे करेंगे कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे रहें, कि डर तो मुझे भी है पर मैं सोच नहीं रही हूँ उस बारे में, कोई और फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना आए जिससे मुझे ज्यादा दिन रुकना पड़े हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ ना हो, मैं यही चाह रही हूँ आप लोगों से, सिर्फ विशेष चाह रही हूँ। तो और आप लोग अच्छे के लिए लिखते हो, मम्मी को बुला लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी कमजोर दुखती हुई नस है जो दब जाती है। ऑब्वियसली सब लोग मामा करते हैं कि इस टाइम पे माँ की जरूरत होती है, अब नहीं है यार, ठीक है ना, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भगवान ने पुराने कर्म होंगे, जितना मैंने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया है उनने भी अपनी माँ होने का निभाया है, लेकिन उसी टाइम तक था ना, अभी नहीं निभा सकती, वो चाह के भी नहीं निभा सकती तो उनकी जगह दीदी निभा रही है, पर उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेशंस है, मैं उसी में होना चाहिए चीजें, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं नहीं बुला सकती किसी को, मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, और ये मेरे जब बेटर हाफ है, जब मैंने भी तो इनका साथ दिया होगा कहीं ना कहीं, तभी तो ये इतना दे रहे हैं, या हो भगवान अरे कभी इनको मेरे साथ, मतलब हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, तो एक दूसरे का साथ तो देना है ना यार, इसमें गलत क्या है? कहाँ लिखा है कि औरत का साथ सिर्फ माँ ही देगी या उसके परिवार वाले ही देंगे, पति नहीं देगा, ऐसा है? तो आप लोग ये चीज समझ लीजिए, मेरे पास मालवे जी, गीत, मेरी दीदी, इनके अलावा आप लोग हैं जिसे हम फैमिली कहते हैं। तो आप लोग बस प्रे कीजिए, बेस्ट विशेस दीजिए, बाकी कोई नहीं है। तो आप लोग भी अपसेट नहीं हुई है कि कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो सबकी किस्मत ऐसी होती है, किसी के पास कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, दैट्स इट। आपको कुछ कहना है? कौन है इधर जो सुन रहा है इतनी बातें तेरी मेरे अलावा? तो दोस्तों मैं भी बता दूं कि मेरी तरफ से कौन नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, वो सब बातें मतलब नहीं कहने की। हमने मेंटली ये सोच लिया है कि हम ही अकेले हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे बस, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं बीमार होऊंगा तो, और जब रचना बीमार होगी तो, या गीत बीमार होगी तो, हम दोनों रखेंगे एक दूसरे का। हमको दूसरे की जरूरत, अब जरूरत तो पड़ती है ऑब्वियस, हम ह्यूमन बीइंग है, हमको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली दूसरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है, मगर जब नहीं है तो नहीं है, ये सोच के चलोगे तो जितने जल्दी मैंने ये दिमाग में बिठाया, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ये दिमाग में बिठाना, मगर बिठा लिया है तो ठीक है, अब हम फाइट कर रहे हैं। और अब मतलब लड़ाई सिर्फ आप लोगों से भी या किसी से भी, मेरी लड़ाई सिर्फ प्यार के लिए कि मुझे प्यार दो और मुझे अच्छी विशेस दो, बस। मैं अगर मेरी मम्मी से भी मेरी कभी लड़ाई हुई होगी तो इसी बात को कि मम्मी मुझे क्यों कम प्यार कर रही है, मतलब कि एक जनरल बात कह रही हूँ, किसी और चीज के लिए कभी मेरे से किसी से लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ प्यार के लिए कि मुझे आपका प्यार चाहिए। अब वो प्यार इंसान अगर नहीं दे पा रहा है तो फिर साथ में नहीं रख हो सकता ना। तो दोस्तों तो ये था, तो हम दोनों की केयर आप लोग करेंगे, बस अच्छे अच्छे विश मांगे ऊपर वाले से कि जो भी परेशानी में रचना है, और मैं परेशानी में भी हूँ, नहीं मतलब मेंटली एंड फाइनेंशियली मैं परेशानी में हूँ, रचना फिजिकली बहुत परेशान है ना, इमोशनली बहुत परेशान है, और चुप बहुत बोले 10 मिनट खाया उनको, मेरी बात सुनने के लिए आते हो, तेरी बात सुनने नहीं आते। तो दोस्तों बस आप, हम ही एक फैमिली हैं। और अभी होगा क्या फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हो सकता है, 1000 से ज्यादा व्यू हो इस चैनल पे, उसमें आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, यानी कि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप हमारी बात को समझ ही नहीं रहे हो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि इतने एक साल से आप हमारे व्लॉग देख रहे हो, कहीं कुछ झूठा फेक नहीं दिखाया होगा, मैंने जबरदस्ती अच्छी अच्छी चीजें घर में शूट करके आपको नहीं दिखाई होगी, या मेकअप के साथ कुछ भी
फेक नहीं दिखा, रियलिटी को मेरे को था कि मैं, हम भी करके देखते हैं व्लॉगिंग, एक चल रहा है इतना, हम भी करते हैं रियलिटी के साथ व्लॉगिंग, तो शायद हम जैसे लोग, हर पांच तरह के लोग, इतने अलग अलग तरह के लोग होते, हम जैसे भी लोग होंगे वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी जो हम एनालिटिक्स देखते हैं उसमें 50% सब्सक्राइबर है, 50% नॉट सब्सक्राइबर है, और तो पहले जो देखते थे वो भी अब नहीं देख रहे हैं। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा फील होता है यार, जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है क्या, कि औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करती, मेल तो मेल को कर ही रहा है, ऐसा भी कभी कभी फीलिंग्स आती है। पर बहुत से लोग करते हैं, जैसे रिसेंट लाइव में इतने सारी आई थी फीमेल्स, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने दोबारा व्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, तो वो चार लोगों ने भी मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रीस्टार्ट किया। मैं चाहती हूँ बाकी लोगों से भी कि आपके सजेशंस वेलकम है, पर आप लोग जो बार बार बोल रहे थे मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही थी कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास कुछ और चीजें। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग हैं। चलो दोस्तों, तो ये था समरी की, कोई किसी का नहीं है, हम ही बस आपस में हैं। तो ये ब्लॉग यही रखते हैं, मुझे नहीं लगता इस ब्लॉग में और कुछ खींचना, क्योंकि मैन इस वीडियो का टाइटल और हमारी बात यही थी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखना और प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप हमारे साथ हैं बस, है ना, तो हमको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हमारा मेन चैनल अब ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, वहां पे वीडियो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देखो प्रेगनेंसी है, जब बेबी डिलीवर होगा तो 3 से 4 महीने 6 महीने तक वो चैनल बंद होगा, तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो जाएगा। तो देखो एक एक्स्ट्रा इनकम थी जो बंद हो जाती है, उसके हिसाब से खर्चे किए होते हैं, गाड़ी का, घर का और अलग ईएमआई थी, तो वो बंद होगी, तो थोड़ा सा मेंटली एंड फाइनेंशियली मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, और इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ या थोड़ा सा बिखराव है। बाकी रचना फिजिकली एंड मेंटली और इमोशनली बहुत कमजोर है, बस वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। भाई ये कहना चाह रहा था, प्लीज सब्सक्राइब कर देना बस। बाय, जय माता दी, जय माता दी करो, लव यू। क्या खा रहे हो? हम जब बात कर रहे थे तो गीत अंदर से चोरी चोरी छुपे छुपे क्या ला रहे थे? गीत बनाना चिप्स। और अपनी हालत कैसी कर रखी है? ये सो के उठे हैं अभी, इसलिए ऐसी हालत हो रही है, सब बिखरे हुए बाल हो गए। अभी छुट्टी थी ना, कल शैम्पू करेंगे आपका। नहीं। सबसे ज्यादा डर किसी चीज का लगता है? गीत को। तो शैम्पू, गीत शैम्पू करेंगे कल? नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज नहीं। हाँ प्लीज, चलो बाय, जय माता दी।